अबे यार तू इसको छोड़ ना, तू इसको छोड़ के टाउन हॉल को जाके हील करना, नहीं तो फिंगर से हमारा ये बैटल या हमारा बिल्डर हार जाएगा। लेकिन 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 फिंगर से हम ये बैटल जीत चुके थे। तो क्लैश ऑफ क्लैंस से क्लैन वार की एक और नई वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में ये दिखाने वाला हूं कि हमारी जो आखिरी वार लगी थी, हमने 20-20 की वार लगाई थी जो कि टोटल 60 स्टार्स के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हमसे ये हो गई थी कि गलती तो नहीं, मतलब हमारी किस्मत ही ख़राब थी, 50-53 के स्कोर से हार गए भाई। वार ख़त्म होने के आखिरी मोमेंट तक मतलब जब 10 मिनट बाकी था तब भी हमारा स्कोर 50 था, ओपनर ने बस 20 स्टार्स ही मारे थे। लेकिन 10 मिनट के अंदर उन्होंने वो 20 का आंकड़ा 53 तक उन लोगों ने पहुंचा दिया और हम आखिर में जाकर वार हार गए। इस बार हमारे तरफ से 30 अटैक्स लगे थे, ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हमारी ध्यान में तुम लोगों को पता हो कि बस इनएक्टिव प्लेयर्स ही भरे रहते हुए थे। और भाई यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कुछ दिनों से, भाई पूरा जम चुका हूँ। तो फालतू बातें छोड़ते हो, सबसे पहले दिखाता हूँ तुम्हें हमारे से एक डिफेंस दिखाता हूँ जो मेरे ऊपर ही हुआ था। तो दूसरे नंबर के प्लेयर ने मारा था और 90% अटैक किया था, बस 10% से चूक गया था 3 स्टार मारने से। तो देख सकते हो मेरा बेस लेआउट वैसा ही, मैंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। देख लेते हैं कि इसने किस तरफ से कहाँ से अटैक किया था। सबसे पहले अच्छा इस तरफ से किंग आ गया था, पीछे से फ्लेम फिंगर। मुझे यहाँ पे स्केलेटन ट्रैप सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन किंग उसको डिसेबल कर देता। फिर भी इसका मतलब आइडिया अच्छा था, 38 लेवल का किंग था, मेरे भी 35 लेवल का किंग था, दोनों को मार रहे थे। तो जैसे फ्लिंगर के साथ इसका प्लान था कि शायद टाउन हॉल निकाला जाए, तो देखने में मज़ा आएगा क्योंकि ओहो साइड से कौन है हमारे, इलेक्ट्रो भैया, वाह 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 वाह। तो इसके आर्मी तो इलेक्ट्रो ड्रैगन की थी नहीं ऊपर से, और इस तरफ से क्वीन आ गई थी। अच्छा यहाँ पे एक जायंट बॉम्ब था शायद, और क्वीन की एचपी बहुत लो हो चुकी थी, इससे शायद क्वीन के ऊपर नज़र नहीं दिया था। और मेरा मल्टी मोटर अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था, और इस तरफ से अच्छा कि ये एक बिल्डर भी बचा हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रो भाई भी अपना काम कर रहे हैं और चेन वैल्यू ज़्यादा मिल नहीं रही है इलेक्ट्रो भाई को। ओहो कोई निपट गई, वैसे इसने थोड़े और बैलून्स और वो छोड़े हैं। ओहो और इस तरफ से इसने जमा दिया है मोटर को, क्योंकि अगर मोटर को नहीं जमाता तो ये मोटर ये फ्लिंगर का काम तमाम कर देता। उधर से देखो भाई, ऐसे एक बहुत ही अच्छी बैटल अब देखने को मिलेगी, दो बिल्डर हट्स वर्सेस फ्लेम फ्लिंगर, कौन जीतेगा। ये हमारे टाउन हॉल के ऊपर फ्लेम फिंगर जाता हुआ, उधर से बिल्डर्स अपना काम करते हुए, फ्लेम फिंगर फिर से मारता हुआ अपने दो बिल्डर्स फिर से टाउन हॉल को हील करते हुए, फ्लेम फिंगर ने वापस मारा, हमारे दो बिल्डर्स फिर से काम करते रहे। अबे यार तू इसको हील मत कर, तू टाउन हॉल पर जा, टाउन हॉल पर जाओ, टाउन हॉल को हील कर, ये अकेले कितना संभाल पाएगा, वैसे मैक्स आउट भी है नहीं। और ऊपर से देखो तो ऊपर से इसने बाकी आर्मी भी छोड़ दिया है, मैंने सब नज़र नहीं डाला। अरे भाई सीसी में ड्रैगन्स किसने डाल दिए थे, मैंने तो नहीं डाला था ड्रैगन्स। अबे यार तू इसको छोड़ ना, तू इसको छोड़ के टाउन हॉल को जाके हील करना, नहीं तो फिंगर से हमारा ये बैटल या हमारा बिल्डर हार जाएगा। लेकिन 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 फिंगर से हम ये बैटल जीत चुके थे। लेकिन भाई एक फ्री स्पेल ने काम बिगाड़ दिया, फिंगर से हम बैटल जीत ही जाते थे, लेकिन एक ये जो नाम क्या था इसका, उसने काम बिगाड़ दिया, एक और बिल्डर ने काम बिगाड़ दिया और एक फ्री स्पेल ने। क्यों भाई बिल्डर तू ये एलेक्सा स्टोरेज के पीछे क्यों लगा हुआ था, दो मिलकर नहीं मार सकते थे, ये जो नाम क्या इसका टाउन हॉल को हील नहीं कर सकते थे, रॉयल चैंपियन अकेले क्या ही कर पाती। तो इस तरफ से क्या क्या बच गए थे देखो, इस तरफ से स्केलेटन्स निकले थे, ये माइंड्स खत्म हो चुके थे और रॉयल चैंपियन भी उड़ चुकी थी, बस डिगी बचा हुआ था। तो अंत में स्कैटर शॉट, एक बिल्डर हट, दो बिल्डर हट, इन्फर्नो और एक ये डिफेंस बच गया था मोर्टर। तो ऐसे इसने 90% फेल किया था हमारे बेस के ऊपर। तो अब इस तरफ आ जाते हैं और फिर से देखते हैं कि किसका डैग देखा जाए। चलो इस पर एक ये मैंने किया था, ये भी मैंने किया था, ये भी मैंने किया था, बहुत सारे 2 स्टार्स लगे थे, ये मेरे भाई ने किया था 93%। देखते हैं इसने किस आर्मी का सर अटैक किया होगा। वाह वाह वाह, मैंने इसको बोला था कि सुपर अच्छर ब्लिम तेरे लिए बैन है, सबसे पहले टाउन हॉल 14 तक पहुंच, आर्मी कैम को 300 के ऊपर ले जा, हीरोज़ को थोड़ा मैक्स डेवलप कर, 60 लेवल के ऊपर सब हीरोज़ को पहुंचा, उसके बाद इस आर्मी की तरफ झुकना। लेकिन नहीं, इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने फिर से किया सुपर अच्छर ब्लिम्प और किया 93%। मैं समझ चुका हूँ इसे सुपर अच्छर ही डाला हुआ है, क्लोन है, ऊपर से लावा है, और ओपोनेंट के सीसी में ये कौन है, इलेक्ट्रो महाशय आए हैं और इसने ब्लिम्प खोली है इस जगह पर, लावा हाउंड उड़ चुका है, तो सुपर अच्छर से निकल चुके हैं। देखो सुपर अच्छर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर 10 अटैक मारता है तो 10 में से 9 अटैक्स में हकता है, बस एक बाय चांस 3 स्टार लग जाता है, वही मेरी प्रॉब्लम है। और ऊपर से अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 2 स्टार्स भी नहीं आते हैं, 1 स्टार ही आता है।
अब देखो यार, कोड में से इसको क्या क्या मिला था, इसका कुछ करना पड़ेगा फिर से। इसने फिर से सुपर अच्छर शुरू किया, तो सुपर अच्छर के साथ इसको कितनी वैल्यू मिली, 17% की। अगर लगभग कम से कम 30% की वैल्यू ना आए सुपर अच्छर या फिर बिल्जर्ट के साथ, तो करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इस तरफ से थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसके डेक में और कुछ हुआ होगा। और बुढ़ा आ गया था 30 लेवल का बुढ़ा। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या देख रहा हूँ, बुढ़ा नीचे चलते चलते जा रहा है, ऊपर नहीं है। लावा लून अटैक में बुढ़ा नीचे चलते चलते क्यों जा रहा है और मेन आर्मी के साथ जा रहा है भाई, मतलब अलग 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 चीज़ एकदम। और बस से बुढ़ा नीचे दौड़ते दौड़ते जा रहा है और इस सबसे बहुत कुछ बच चुका है। मुझे पता नहीं कि आचर क्वीन इस तरफ डाली इस तरफ थी, क्वीन इस तरफ ना जाकर इस तरफ क्यों चली गई। अगर क्वीन इस तरफ से जाती तो ये सब कूड़ा कचरा जो ही है तेस्ना मस्ता निकल चुका है, इन सबको निकाल देते। देखो कोई भी आर्मी नहीं है, सारे बलून उड़ चुके हैं, इसीलिए बोलता हूँ इस आर्मी के साथ अटैक ना किया जाए। और एक माइनर लेके गया था, एक विजिट टावर भी बच गया था। यहाँ पर 2 हीलर्स हैं या फिर 1 हीलर है, जो भी हो इसने अटैक बहुत ही गंदे तरीके से फेल किया था। हाँ, क्योंकि देखो ना, 1, 2, 3 रास्ता बच चुके थे, 2 स्टोरेजेस बच चुके थे, कैनन बच चुका था और एक बुढ़ा भी बच चुका था 41 लेवल का। देखो ओपोनेंट का बुढ़ा भी इसके बुढ़े से 11 लेवल ज़्यादा है, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो अब दिखाता हूँ एक और अनोखी बात। हम ये वार हारे ज़रूर है, लेकिन ओपोनेंट ने भी अपनी इज्जत का किरकिरा ज़रूर किया है। ओपोनेंट का 1 नंबर का प्लेयर, उसका नाम क्या है, पीकू, और उसने मेरे 7वें नंबर पर बेस के ऊपर, मतलब जो टाउन 13 का नया वाला बेस है, उसके ऊपर अटैक मारा था और 91%। ये 3 स्टार नहीं मार पाया था भाई, इसके लिए शर्मनाक बात है। टाउन हॉल 15 का बंदा होकर 1 नंबर पर बैठा हुआ है, 7 नंबर पर टाउन हॉल 13 के नए वाले बेस पर अटैक करने आता है, और जिसमें सारे डिफेंसेस 12 मैक्स है, 13 का एक भी डिफेंसेस नहीं है, उस बेस के ऊपर ये आके 3 स्टार नहीं मार पाता है। और इसके पास वैसे हीरोस तो लेवल अप थे नहीं, लेकिन 20 के रॉयल चैंपियन थे और बुढ़ा भी नहीं था, तो ये थोड़ा मेरे एडवांटेज में भी था ये। तो इसने डाला क्या था, एक सेकेंड, ये फ्लिंगर लेके आया है और इधर से इसका किंग जा चुका है। रॉयल चैंपियन इसने अभी तक शायद डाला नहीं है या फिर डाली नहीं है। और इसके पास इलेक्ट्रो ड्रैगन भर भर के ले आया है। रेज तो रेज और उसके साथ ये जो फ्रीज है ये तब तो ठीक है, लेकिन इनविजिबल और नाम क्या है इसका, क्लोन, इसका क्या माजरा था भाई। तो इसका प्लान था इस तरफ से सिंगल इन्फर्नो को इसके साथ निकालेंगे, और इस तरफ से कर दिया स्पैम भाई, थोड़ा फनलिंग वनलिंग करके उसके बाद स्पैम करना चाहिए। इसने उस तरफ का फनलिंग किससे किया मैंने देखा नहीं था। इस तरफ से तेस्ला वगैरह निकल चुके हैं, उस तरफ से टॉर्नेडो है अभी निकलेगा। अरे मैंने इस बेस के ऊपर भी किसने दे दिया है ये जो CC है, और ये बेस मैंने प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ था, मतलब चुराया था कहीं से यूट्यूब से, जो हीरोज़ होते हैं ना, क्वीन चार्ज, क्वीन वॉक, स्मैश आर्मी, उन सब के लिए। देखो 3 ग्राउंड एक्सबोस हैं, मेरे 3 ग्राउंड एक्सबोस थे इसके लिए, ये बेनिफिट थी, लेकिन फिर भी 3 स्टार नहीं मार पाया। और एक एकदम मल्टी इन्फर्नो था, इसको बस ये आखिरी सिंगल इन्फर्नो निकालना था और क्वीन का कंबार बनना, लेकिन ये वो बस वही करने में नाकामयाब रहा था, जो कि तुम देख सकते हो कि इसके एकदम मतलब इसके फेवर में तो नहीं गया था। जिससे एक और गया, फ्लिंगर अपना काम मस्त कर रहा है उस तरफ से, और अपने स्केलेटन्स भाइयों ने फ्लिंगर का काम तमाम कर दिया। ओहो, अंदरे सुपर बारबेरियन लेकर आया था दो, जो कि अच्छी बात है। ओह तो क्लोन स्पेल इसने यूज़ किया किसके ऊपर, CC के ऊपर, एकदम आखिर में। रॉयल चैंपियन भाई ये 3 स्टार लग सकता था, थोड़ा अच्छे से ये अगर आर्मी को सेटअप करता तो 3 स्टार लग सकता था। बस एक सुबह विजर्ड टावर और ये आचर टावर ही बच गए थे, तो 91% के ऊपर फिल कर दिया, लेकिन अपने क्लैन के ऊपर तो इसने अपना नाम खराब करवा ही लिया। वैसे हमने भी कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, बहुत सारे 2 स्टार्स हमारे तरफ से भी लगे हैं, नहीं लगते तो ये वार शायद हम जीत जाते 54-53 के स्कोर से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, वीडियो को और से लंबा नहीं खींचूंगा। चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स के आंकड़े से बस हम कुछ बस से कुछ मिनटों सब्सक्राइबर्स दूर है, बस उसके बाद ही आंकड़ा पूरा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैं तुमसे मिलूंगा कल क्लैश ऑफ क्लैंस की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जाओ जाकर वार खेलो।